आज हिंदुस्तान अपनी काबिलियत की वजह से जीता है। आई थिंक कि आज आपको मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान वाज़ द बेटर टीम। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। शोएब अख्तर ने किया बड़ा खुलासा, कहा टीम इंडिया से कोई नहीं जीत सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शोएब अख्तर ने क्या बड़ा बयान दिया है और भारतीय टीम के लिए क्या बड़ी बात कही है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर करें और दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आपसे विनती है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच विश्व कप 2019 का बेहतरीन मुकाबला द रोस बाउल के क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और भारतीय टीम ने 6 विकेट के बड़े अंतर से इस मुकाबले को जीत लिया। इस मुकाबले के जीतने के साथ ही भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप 2019 में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। जहां दोस्तों और साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका को तीसरी हार का सामना करना पड़ा है। जहां दोस्तों आप सभी को बता दी कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने शुरुआत बहुत ही खराब कर रही है। जहां दोस्तों टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाए और 24 रन के महज रन पर दोनों ही विकेट गंवा चुके थे। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका को रिकॉर्ड मकोड़ कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद भारतीय टीम के बेहतरीन गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने 4 विकेट लेकर भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई। साथ ही जसप्रीत बुमराह ने और भुवनेश्वर कुमार ने 2-2 विकेट लिए। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के इस बेहतरीन और शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन में दोस्तों भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 227 रन के कुल महज रन पर रोक दिया और भारतीय टीम के लिए और जीत पाना बहुत आसान हो गया और आसान सा लक्ष्य भारतीय टीम के लिए मिल गया। दोस्तों उसमें भारतीय टीम की बात की जाए तो दोस्तों रोहित शर्मा की बेहतरीन शतकीय पारी की बदौलत भारतीय टीम ने यह मुकाबला जीत लिया। इस मुकाबले को लेकर शोएब अख्तर ने बड़ा बयान दिया है। शोएब अख्तर ने अपने बयान में कहा कि भारतीय टीम एक बेहतरीन टीम है और इस टीम से कोई नहीं जीत सकता। इस टीम वर्ल्ड कप 2019 की दावेदार टीम है और शायद ही वर्ल्ड कप 2019 का मुकाबला, फाइनल मुकाबला भी भारतीय टीम जीते। दोस्तों आपकी इस पर महत्वपूर्ण राय क्या है? क्या भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2019 का मुकाबला जीत सकती है? हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और भारतीय टीम के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।